और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं हरियाणा के यमुनानगर से, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तकरार भी मिली है देखने को। आपको बता दें, खट्टर सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा बैठक करने पहुंचे थे और इस बीच प्रदर्शनकारी मंत्री का विरोध करने पहुंच गए, जिन्हें रोकने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं, जिसके बाद पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई। तस्वीर इस वक्त आपके सामने जी हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं। किसान आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी शामिल हैं, उनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। किस तरीके से मंत्री का विरोध करने से रोका गया, तो पुलिस के साथ झड़प की है, बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते हुए, ये तस्वीर आपके सामने। यमुनानगर में खट्टर सरकार के मंत्री बैठक करने वाले थे, लेकिन बैठक के पहले इस तरीके से विरोध जताया गया है। सड़कों पर हजारों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी जुटे, जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि इन्हें रोकने के लिए वहां पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा, लाठीचार्ज तक करना पड़ा। प्रदर्शनकारी किसान जो कि इस बैठक का विरोध कर रहे थे, पिछले कई महीनों से लगातार कृषि बिल को लेकर विरोध किसानों की तरफ से जताया जा रहा है, खासकर हरियाणा सरकार के खिलाफ। और ऐसे में अब जब कैबिनेट खट्टर सरकार के मंत्री बैठक करने वाले थे इसी मसले को लेकर, तो इस बैठक का जमकर विरोध किया गया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है, बैरिकेडिंग लगाए गए थे ताकि ये लोग इस बैठक में कोई खलल न डालें, लेकिन इस बैरिकेडिंग को तोड़कर ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए इनको रोकने की कोशिश की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस के साथ झड़प हुई है। किसानों का एक बड़ा जत्था काफी संख्या में शामिल होकर मंत्री की बैठक की ओर उनका विरोध करने के लिए पहुंचे, मंत्री का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। पांच तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे मामले को समझ सकते हैं। किसानों का जमकर बवाल देखने को मिला है, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाए, मंत्री का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ गए किसान। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए ट्रैक्टर से बैरिकेड को धक्का दिया गया, यानी बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की गई है। तो एक बार फिर से ट्रैक्टर के जरिए ही इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि दिल्ली में किस तरीके से हिंसा यहां पर की गई थी ट्रैक्टर्स के जरिए ही, और ट्रैक्टर्स के साथ ही प्रदर्शनकारी किसान यहां पर पहुंचे। यमुनानगर में ये मंत्री की बैठक होने वाली थी, किसानों के मसले को लेकर ही विचार विमर्श होने वाला था, लेकिन उससे पहले इस बैठक का जमकर विरोध किया गया। यमुनानगर में किस तरीके से किसानों ने बवाल मचाया, ये पांच तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि किसान जो कि लगातार इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उनका एक ही कहना है, उनकी एक ही बात कहनी है कि कृषि बिल जो सरकार की तरफ से पेश किया गया है उसे वापस लिया जाए। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से बातचीत का न्योता दे चुके हैं, जिसे सिरे से खारिज करते हुए राकेश टिकैत नजर आए कि बिना कंडीशन की बात होगी। और ब्रेकिंग सेंटर से इस वक्त प्रीति हमारे साथ जुड़ रही है, एक बड़ी खबर प्रीति के पास। प्रीति, क्या कुछ बड़ी खबर? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी, सबकी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूपी के हमीरपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हिंसा हुई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ चुके हैं, झड़प में कई लोग घायल हुए हैं, वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक का एक पूरा मामला है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के हमीरपुर से आ रही है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हिंसा हुई है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखें, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की पार्टी के जो कार्यकर्ता है वापस में भिड़े हैं, और किस तरीके से यहां पर ये झड़पें हुई है, लाठी डंडे एक दूसरे पर चलाए गए हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, हमीरपुर यूपी की ये तस्वीरें है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव इस वक्त चल रहा है, परसों जब नामांकन हुआ उस दौरान भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, तमाम सवाल खड़े हुए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करें। लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो ये सवाल खड़े करती है। हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमीरपुर में हिंसा हुई है, ब्लॉक प्रमुख चुनाव चल रहा है, मारपीट की गई है, हंगामा किया गया है, वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है। ये देखिए, पुलिस वहां पर मौजूद है, लोगों को किस तरीके से शांत कराने की कोशिश कर रही है, लाठियां भी उन पर भाजनी पड़ी है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक के बाद एक अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा की ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कमोबेश हर जगह से, हर तरफ से जो तस्वीर सामने आई है वो एक जैसी ही है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या चुनाव के दौरान इस तरह की हिंसा बर्दाश्त की जाएगी?
किया, इस तरीके से कानून व्यवस्था जिस तरीके से सामने आ रही है, जिस तरीके से चुनौती यहाँ पर ये लोग कानून व्यवस्था को दे रहे हैं, क्या इसे बर्दाश्त किया जाएगा? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाए और कोई भी इस तरह की घटना सामने न आए। यूपी की जो तस्वीर सामने आ रही है राज्य की सूबे की, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाए, अगर आपने ये कार्रवाई नहीं की क्योंकि ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है तो फिर आप पर गाज गिरेगी, आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हुआ भी है, आपको एक के बाद एक जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उनमें जो कार्रवाई की जा रही है उसके बावजूद ये और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए, ये अमरोहा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। चुनाव आज चल रहा है, आज ही चुनाव है, 11 से 3 बजे तक वोटिंग है और उसके बाद आज नतीजे भी सामने आ जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि ये तो भी ट्रेलर है, ये तो भी झांकी है, 2022 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये चुनाव कहीं ना कहीं बताएंगे कि आखिर भले देखिए डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्टली तो जनता का मूड बताएंगे ही, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हो जाते हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव ये चल रहे हैं, सबकी नजरें इन पे हैं, हिंदुस्तान पर लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये अमरोहा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज 476 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान आप देखिए किस तरीके से हिंसात्मक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने बनी हुई है, क्योंकि नामांकन के दौरान भी इसी तरीके का अराजकता का माहौल हमने देखा था, हर एक जिले में इसी तरीके से हिंसा होती हुई नजर आई थी, और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम प्रयास जो है विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ पर दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो देखिए 476 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये वोटिंग होगी। हालांकि नामांकन के वक्त भी लखीमपुर खीरी से कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जिनको लेकर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए, लेकिन उसके बाद कार्रवाई की गई, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, सीएम योगी ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान भी सामने आया कि जो भी आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है, जो निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर खड़े हुए थे उनके समर्थक थे। और ऐसे में आज अमरोहा से ये तस्वीर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं चुनाव बेशक छोटा है लेकिन लड़ाई कितनी बड़ी है 2022 के चुनाव से पहले वो आप देख सकते हैं। और इस वक्त तीन सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, मनोहर इस वक्त मौजूद है, निजाम और रमन हमारे साथ मौजूद है बुलंदशहर से। रमन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यही सबसे बड़ी चुनौती यहाँ हर किसी के सामने बनी हुई है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाया जाए, लेकिन इसके बावजूद मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही है, हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीर सामने आ रही है। आखिर ऐसा क्या कुछ इंपॉर्टेंट इस चुनाव को लेकर हो जाता है कि इतनी ज्यादा हिंसात्मक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए रितिया, ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है और इसमें दरअसल जो चुनाव के लिए आते हैं लोग वो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन लोग हैं वो वोट डालने जाएंगे। आपको ये भी पता होता है कि वो किस पार्टी के लोग हैं और किसको वोट डालने जाएंगे, तो ऐसे में टारगेट करना बेहद आसान हो जाता है। और जो इलाके का दबंग नेता है वो कोशिश करता है कि उनको प्रभावित कर सके, जो BDC नेता, जो BDC से हैं, जो सदस्य हैं उनको प्रभावित कर सके, और इसीलिए इस तरह की हिंसा की ये घटनाएँ सामने आती हैं, क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में होती है या फिर जो भी उस इलाके में ताकतवर होती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने बल की वजह से इनको प्रभावित कर सके, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन लोग हैं जो कि वोट डालने जाने वाले हैं और लगभग ये भी तय होता है कि वो किस पार्टी को वोट डालने वाले हैं, किस कैंडिडेट को वो वोट डालने वाले हैं। तो ऐसे में इनकी ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव होता है उसमें इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भूमिका होती है पुलिस और प्रशासन की वो कि किस तरह से शांति बनाए रखे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होता है कि आपको बूथ में इस तरह की घटनाएं नहीं होने देनी है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो उसकी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो बड़ा चुनाव हो या फिर वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो या फिर वो ग्राम प्रधान का ही चुनाव क्यों ना हो। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी बनती है कि वो यहाँ पर जो शांति है, सुरक्षा है, वो बनाए रखे। और जैसे कि इस बूथ पे मैं खड़ा हूँ, इस वक्त बुलंद शहर के एक बूथ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बिल्कुल रमन, हम लौटते हैं आपके पास। इस वक्त हापुर से मनोहर विश्नोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, 11 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई है, फिलहाल क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? वहां सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है या जैसे अमरोहा की तस्वीरें सामने आ रही है कुछ ऐसी झड़पों की तस्वीर तो नहीं आई अब तक? हाँ,
बिल्कुल, देखिए जो अमरोहा की तस्वीर है, वैसे तो यहाँ तस्वीर नहीं है, मैं आपको बता दूं कि यह पर हापुड़ जिले का एक ब्लॉक है सिम्बावली, वहां पर वोटिंग चल रही है, क्योंकि तीन जो ब्लॉक है वहां पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। फिलहाल जो सिम्बावली में वोटिंग हो रही है, आप तस्वीरों में साथियों को कहूंगा कि दिखाएगी किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं और यहाँ पर पूरे सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं वोटिंग को लेकर। और फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि 11 बजे जो वोटिंग शुरू हुई थी उसमें से 86 वोट है जो डाले जा चुके हैं, उसमें अभी 17 वोट जो बाकी रहे थे उसमें से 2 वोट वो डाल दिए गए, 15 वोट कुल मिलाकर अभी बाकी रहे हैं। बाकी जो है यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त कड़े किए गए हैं किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए, और पुलिस ने जिस तरीके सख्ती से यहाँ पर जो है पूरे बैरिकेडिंग के साथ में यहाँ पर 200 मीटर पहले ही रोक दिया गया है और केवल वोटर्स ही अंदर जा पा रहे हैं और किसी को भी अलाउड नहीं किया गया है, तो यहाँ पर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए। साथ ही कुछ लोगों को वोटर्स को कन्फ्यूजन जरूर है, तस्वीरों में आप दिखाएं कि किस तरीके से नेता लोग आकर के एसडीएम और जो सीओ साहब उनसे वार्ता कर रहे हैं कि कोई वोटर्स में नाम का कन्फ्यूजन जरूर हुआ है, वहां ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोटिंग हुई है। 15 वोट जो है बचे हुए हैं वो 3 बजे तक डलने हैं, उसमें इससे पहले बिल्कुल किस तरीके से हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से जुड़ चुके हैं। निजाम, आप वहां पर कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या वहां पर सब कुछ ठीक है? जैसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगहों से सामने आ रही, वहां पर भी वही हाल है? नहीं, बेशक देखिए कि गौतम बुद्ध नगर का ये सबसे संवेदनशील है बिश्रक, और यहाँ पर अभी जो है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लगातार हो रहे हैं और 11 बजे से अब तक जो कहें कि फिर अगर 12:15 बजे तक की बात करें तो यहाँ पर 38 में से 35 सदस्यों ने जो है मतदान का प्रयोग किया है। अभी हाल ही में कुछ ही देर पहले जो ज्वाइंट सीपी है लव कुमार वो यहाँ पर अचानक निरीक्षण के लिए पहुँचे थे। पुलिस ने काफ़ी पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ कह सकते हैं क्योंकि अलग से कंपनी की तैनाती की गई है। मेरे साथ जो है हरीश चंदीर सर मौजूद हैं, डीसीपी सर। सर, अगर बात करें इस बिश्रव को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, एक तरह से देखें कि काफ़ी जो ड्रोन है ड्रोन से भी पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। ये देखिए एक निजाम, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान जारी है, मतदान केंद्र पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान 476 सीटों के लिए लगातार जारी है और इसी को लेकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो पहले से ही पुख्ता कर ली गई थी। और अब देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, मतदान केंद्र पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई हिंसात्मक तस्वीर निकलकर सामने ना आए। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर झड़प होती हुई दिखाई दी है, लेकिन ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है चप्पे चप्पे। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।